नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज आपके साथ, मैं आरती द्विवेदी। कुंभ नगरी माघ मेला प्रयागराज में हमारे ब्यूरो वरिष्ठ पत्रकार संपत्ति दास गुप्ता द्वारा उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य पद स्वामी श्री कृष्ण आचार्य जी महाराज से एक साक्षात्कार माघ मेला में लगने वाले कल्पवास का महत्व तथा हैदराबाद में 2000 करोड़ से निर्मित श्री वैष्णव संप्रदाय के अब तक के विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थल स्टैचू ऑफ स्टैचू अर्थात भगवत पद रामानुजाचार्य के 217 फीट ऊंची बैठी हुई प्रतिमा का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 5 फरवरी को उद्घाटन कार्यक्रम के बारे में क्या कहते हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य। कुंभ नगरी प्रयाग में जहां माघ मेला लगा हुआ है, समूचे राष्ट्र से पूज्य जगत गुरु धर्माचार्य महामंडलेश्वर संत महंत प्रतिवर्ष माघ मेले में आकर मां त्रिवेणी के तट पर ज्ञान की गंगा के रूप में सरस्वती की जो तीसरी धारा है उसको जहां प्रवाहित करते हैं, वही लोग गंगा जमुना की पावन धारा में डुबकी लगा करके पूर्ण सल्ला मां त्रिवेणी का पूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। यहां विद्यमान है उत्तराखंड पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, जो कि प्रतिवर्ष अनवरत 40 वर्षों से कुंभ की इस धरा पर माघ मेले में आकर और पूरे माह भर ज्ञान गंगा प्रवाहित करते हैं। जैसा कि जनश्रुति है, समूचे मेले में पूज्य महाराज जी के प्रवचनों में सर्वाधिक भीड़ हुआ करती है। कई बार तो यह देखा गया कि आस्था का जनसैलाब ऐसा उमड़ता है कि लोग सड़कों तक सड़क जाम कर दिया करते हैं, ऐसी भी स्थितियां बनी हैं। मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज इस माघ मेले के अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज, आप उत्तराखंड से आते हैं, ये माघ मेले का महत्व क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकेश नशाय गोविंदाय नमो नमः। उत्तराखंड जहाँ से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, वहां से स्वच्छ और शीतल गंगा कहीं भी नहीं है। परम पवित्र गंगा हरिद्वार ऋषिकेश में है, परंतु कल्पवास केवल प्रयाग में ही होता है। ये प्रयाग की भूमि, सबसे पहला याग यहीं पर हुआ है। याग माने पूजा, प्रथम पूजा ब्रह्मा ने यहाँ पर की है। तो यहाँ पर दिन और रात नहीं होते, यहाँ कल्प बोला जाता है। ब्रह्मा का एक कल्प का मतलब है चारों युग 1000 बार बीतना, वो एक कल्प हो गया। ये ब्रह्मा का क्षेत्र है, कल्पवास केवल यहीं पर होता है। गंगा जी तो और सर्वत्र भी मिल सकती है। आज माघ महीने में ही आपने अभी बताया कि रामानुजाचार्य ने जातिवाद समाप्त किया और चतुर्थ श्रेणी के लोगों को भी दक्षिण के मंदिरों में प्रवेश कराया, लेकिन उत्तर भारत में आज भी जातिवाद सभी समस्त संप्रदायों में अभी भी व्याप्त है, ऐसा क्यों? मेरे प्यारे बंधु, जो सचमुच में धर्म की आत्मा को पहचानते हैं वो लोग कोई भी घृणा नहीं करते। जहाँ पर वैज्ञानिक स्थिति है वहाँ पर जातिवाद ठीक है, परंतु जहाँ घृणा की दृष्टि है वो खराब है। जैसे आज हम लोग ही कहने लगे 2 गज की दूरी मास्क जरूरी, अर्थात इस पर से हम दूर कर रहे हैं। यदि वैज्ञानिक है तो उसको हमने अच्छा माना। उत्तर भारत में भी जो शराब पीते हैं, अंडा मीट मांस खाते हैं, जिनसे हमारे विचार नहीं बनते, हमने उनको दूर रखा। ये यहाँ की वैज्ञानिक पद्धति थी, पर यदि उसमें घृणास्पद है तो खराब है। ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये एक दिन समाप्त होगा। इसी के लिए रामानुज की स्थापना हो रही है। पूज्य स्वामी जी महाराज, इतने बड़े कार्यक्रम में आप भी आमंत्रित किए गए हैं, क्या आप उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं?
हाँ, मुझे आमंत्रित किया गया है और वो चिन्ह जीयर स्वामी मेरे परम सुहृद और मित्र हैं। दिल्ली में भी यज्ञ था बहुत बड़ा, वहाँ भी मुझे बुलाया गया था, मैं वहाँ भी गया था। परंतु ये कार्यक्रम ऐसा है कि जिस दिन इस शरीर का अर्थात मेरा जन्म दिवस है, उसी दिन में रामानुज स्वामी के श्री विग्रह का भी जन्म दिवस है। लगता है रामानुज वहीं पर प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, वो मेरे ही स्वरूप में है। रही वहां जाने की बात, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जहाँ जा रहे हैं वहाँ मेरी जाने की इतनी आवश्यकता आवश्यक नहीं लग रहा है। मुझे कार्य सब संपन्न होगा, यहीं से मंगलानुशासन करता हूँ और सबसे फिर जाऊंगा। यहाँ भी मुझे ध्वजा फहराने के लिए एक अवसर चाहिए। स्वामी महाराज बड़ी कृपा की, समय दिया।